वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात जो कुछ भी हुआ उससे भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। सोमवार को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच तकरीबन 11 घंटे बातचीत चली, जिसमें कुछ सकारात्मक बातें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं अभी भी LAC के पास डटी हुई हैं। इस बीच भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आ रहे हैं। फिर चाहे वो थल सेना प्रमुख MM नरवणे का लेह पहुंचना हो या फिर रक्षा मंत्री के रूस दौरे में LAC विवाद का संभावित जिक्र होना हो, आइए आपको बताते हैं गलवान हिंसक झड़प को लेकर अब तक के ताजा अपडेट। चीन से सीमा विवाद के बीच थल सेना प्रमुख MM नरवणे आज लेह पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ वहां पर 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे, साथ ही वो सैन्य तैयारियों का भी मुआयना करेंगे। वो दो दिन तक लेह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान आर्मी चीफ LAC की अग्रिम चौकियों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस बीच LAC विवाद से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के साथ सोमवार को चली लंबी बैठक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दोनों ही पक्षों में विवाद से पीछे हटने पर सहमति दिखी। पूर्वी लद्दाख में तनाव को खत्म करने के उपायों को लेकर भी चर्चा हुई और दोनों ही पक्ष इस पर आगे बढ़ेंगे। NI के मुताबिक दोनों देश के कमांडर स्तर की बातचीत में यह तय किया गया कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। हालांकि कितना पीछे हटेंगी यह फील्ड अफसर तय करेंगे। उधर सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना की भी पूरी तैयारी है। वायुसेना के फाइटर जेट लद्दाख में लगातार उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना ने अग्रिम चौकियों पर अपने लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने भी सीमा से सटे इलाकों में फाइटर जेट तैनात किए हैं। इन सब के बीच अब चीन ने माना है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प में उसका भी एक कमांडर मारा गया था। चीन इससे पहले झड़प में कितने सैनिक हताहत हुए थे इसकी जानकारी नहीं दे रहा था। बताया जा रहा है कि हिंसक झड़प में चीन के तकरीबन 40 जवान हताहत हुए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। वो 3 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री इस दौरान रूसी रक्षा मंत्री से MiG-21 सहित कई लड़ाकू विमान सौदे की बात कर सकते हैं। बता दें कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है। कहा जा रहा है कि रूस से राजनाथ की LAC विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विदेश मंत्री लेवल की वार्ता शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत और चीन के मंत्री समेत रूस के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन का भारत के जवानों पर हमला सोची समझी चाल थी। जनरल झाओ, जो कि चीनी आर्मी के वेस्ट थिएटर कमांड के प्रमुख हैं, उन्होंने ही भारतीय बॉर्डर पर इस एक्शन का आदेश दिया था, लेकिन ये दांव उनको उल्टा पड़ गया। इस रिपोर्ट में हमने LAC मसले पर हो रहे ताजा घटनाक्रमों से आपको रूबरू कराया। ऐसे ही भारत और चीन सीमा विवाद से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।